श्री कालेश्वर नाम का मंदिर बगाली नाम के एक छोटे से गांव में स्थित है। यह जगह हरपनहल्ली के पास में पड़ती है और कर्नाटक के दावणगेरे जिले में यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर हम एक शिला शासन या दान शासन देख रहे हैं, जिसके ऊपर के हिस्से पर कुछ अलंकरण, कुछ मूर्तियां बनी हैं। हमें यहाँ पर तीन लोग नजर आते हैं। दाई तरफ हमें गणेश जी की मूर्ति नजर आती है। बाई तरफ जो दो व्यक्ति हैं, उनके सिर के ऊपर उनका हेड गियर अगर हम देखेंगे तो देखने में ऐसा लगता है कि उन्होंने एक हेलमेट पहन रखी है। यह बहुत ही विशेष तरह की मूर्तिकारी है और इस तरह का हेड गियर प्राय मंदिरों में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हम इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुछ कामुक मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर हम ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो देखने में बहुत ही अजीब तरह की हैं और मंदिर की बाहरी दीवारों पर इस तरह की मूर्तियां क्यों बनाई गई, यह एक रिसर्च का विषय है। यहाँ पर स्त्री पुरुष को पशुओं के साथ भी संभोग करते हुए दिखाया गया है, जो बहुत ही यूनिक है। इस तरह की मूर्तियाँ हमें मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का मंदिर है उसकी याद दिलाती हैं। यहीं पर एक बहुत ही सुंदर श्राइन है, जिसमें भगवान नरसिम्हा, जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, उनको एक सिंगल पत्थर से बनाया गया है। दिस इज अ मोनोलिथिक स्टैचू, अ स्कल्पचर विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। देखने में ऐसा लगता है कि यह पत्थर की न बनी होकर एक मेटल की बनाई गई है। यह जो मूर्ति है बहुत ही सुंदर है और इसमें हम नरसिम्हा को जो दैत्य है उसका वध करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नरसिम्हा ने अपने हाथों से उनके जो नाखून हैं उस दैत्य के पेट में डाल दिए हैं और उनकी जो इंटेस्टाइन है, अंतड़ियाँ हैं, उसे बाहर निकाल लिया है। इतना डिटेल्ड स्कल्पचर शायद हमें पूरे भारत में नहीं मिलेगा। यह जो दृश्य हम देख रहे हैं, यह हमने जो इस मंदिर के पास से रोड जाती है उससे लिया है। जैसा कि हम देखते हैं, दूर दूर तक हमें एक पहाड़ी श्रृंखला नजर आती है और यह मंदिर का दृश्य है। बाएं तरफ हमें मेन श्राइन नजर आती है और मेन श्राइन में ऊपर का जो शिखर है बाद में बनाया गया है। उसके बाद में बीच में जो यह छोटी बिल्डिंग नजर आ रही है, यह एक क्लोज्ड मंडप है और इसकी छत पर हम दाएं और बाएं तरफ दो बैलों को देखते हैं और यहाँ पर दो शेर भी बने हुए नजर आते हैं। थोड़ा और दाएं चलते हैं तो हमें एक आउटर मंडप या सभा मंडप नजर आता है और उसके पीछे की तरफ जो एक छोटी श्राइन है उसमें नरसिम्हा का एक छोटा मंदिर है। यह मंदिर का पूर्व से लिया गया दृश्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मंदिर के आसपास एक बहुत ही सुंदर गार्डन बना दिया गया है। यहाँ पर ASI ने बहुत ही सुंदर काम किया है और यहाँ पर अलग-अलग रंग के पेड़ पौधे लगाने से यहाँ का जो लुक है बहुत ही सुंदर हो गया है। और यहीं पर एक छोटी सी पुष्करणी यानी कि स्टेपवेल भी है। यह जो पुष्करणी है इस समय इसमें पानी नजर नहीं आया, लेकिन एक समय में जब यह मंदिर बना होगा तो इस पुष्करणी में पानी भरा रहता होगा। यह उसी मंदिर के पास से हम गुजर रहे हैं ताकि इसके परिसर को हम देख सकें और समझ सकें। सामने हमें कुछ छोटे छोटे मंदिर भी नजर आ रहे हैं जिनमें हम थोड़े समय में प्रवेश करेंगे। अब हम मुख्य द्वार से सभा मंडप के सामने खड़े हैं और धीरे धीरे इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सामने हमें एक नंदी जी की मोनोलिथिक स्टैचू मिलती है और इस हॉल में टोटल 58 पिलर्स हैं। हर पिलर अलग है, कुछ लेथ पिलर्स भी हैं और
उन्हें बहुत ही जटिल नक्काशी के साथ बनाया गया है। इन लेथ पिलर्स को देखकर और इनके नीचे जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनकी जो जटिलता है, यह हमें गदक जिले में एक मंदिर है जिसे त्रिकुटेश्वर मंदिर कहते हैं, वहां पर एक सरस्वती नाम का मंदिर है। ये खंभे देखने में बिल्कुल सरस्वती मंदिर त्रिकुटेश्वर गदक जैसे ही देखने में लगते हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो एक समय में यहाँ पर जो दर्शक आते होंगे, पूजा करने वाले व्यक्ति आते होंगे, उनके बैठने का स्थान बनाया गया है। यह एक डोर पोर्टल हम देखते हैं, एक डोर जैम है जिसे बहुत ही सुंदर महीन नक्काशी से सजाया गया है। ऊपर एक लोटस मेडेलियन हमें नजर आता है और यहाँ पर हम दीवार पर अलग अलग तरह के देव देवी देवता मिलते हैं। डोर पोर्टल पर हमें एक गजलक्ष्मी जी की मूर्ति मिलती है जिसमें चार हाथी उनके ऊपर जलाभिषेक करते हुए दिखाए गए हैं। प्रायः गजलक्ष्मी जी की मूर्ति पर हमें दो ही हाथी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ इस मंदिर में हमें चार हाथी दिख रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल वर्टिकल बैंड्स हैं और हर वर्टिकल बैंड में बहुत ही सुंदर महीन नक्काशी की गई है। अब हम अंतराल के द्वार पर आ गए हैं और अंतराल के द्वार पर भी हमें नीचे कुछ अटेंडेंट्स या जिसे हम डोरकीपर या द्वारपाल कह सकते हैं वे नजर आते हैं। अंतराल का जो द्वार है वहां पर भी हमें एक गजलक्ष्मी जी की मूर्ति नजर आती है। अंतराल के दरवाजे के ऊपर हमें एक मकर तोरण नजर आता है। मकर एक मिथिकल क्रीचर है जो समुद्री प्राणी है, उसे बहुत ही सुंदरता से यहाँ पर बनाया गया है। ऊपर हमें अलग अलग तरह के देव देवी देवता नजर आते हैं और यहाँ पर जो नक्काशी है बहुत ही महीन, बहुत ही जटिल और बहुत ही सुंदर है। नीचे हम इसी डोर पोर्टल पर कुछ द्वारपाल देखते हैं और यहाँ पर जो जाली वर्क है वह भी बहुत ही सुंदर बनाया गया है। दाईं तरफ का जो वर्टिकल बैंड है उस पर हमें बहुत सारे नाग देवता नजर आते हैं और बाईं तरफ अलग अलग व्यक्तियों को बनाया गया है जो कुछ नृत्य की मुद्राओं में या अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हुए नजर आते हैं। यह उन नाग देवताओं का पास से लिया गया दृश्य है और यहाँ पर जो नक्काशी है यह नक्काशी सोपस्टोन में की गई है और बहुत ही महीन, बहुत ही डेलिकेट नक्काशी है। इतना समय बीत जाने के बाद भी आज भी ये बहुत ही सुंदर नजर आती है। यहाँ पर रोशनी कम है, लेकिन रोशनी कम होने के बावजूद हमने कोशिश की है कि यहाँ का जो अलंकरण है आप तक पहुँचाया जाए। अगर आप टिप्पणी में कमेंट सेक्शन में यह बताएंगे कि आपको ये नाग देवताओं की स्कल्पचर नक्काशी कैसी लगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। यहाँ पर हम सांप की जो पूंछ है उसको देखते हैं और एक कॉइल्स में नजर आती है। यह उसी सभा मंडप का दृश्य है, देखने में बहुत ही सुंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न नजर आता है। सारे के सारे खंभे बहुत ही सुंदर तरह से सजाए गए हैं, बनाए गए हैं। बगाली नाम का यह छोटा सा गांव, आजकल यहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, इसकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन एक समय में यह राजकूट साम्राज्य के समय में और कल्याणी चालुक्यास के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रही थी। अब हम धीरे धीरे करके इस मंदिर के अंदर के भाग में जो प्लेटफॉर्म बना है उसका चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पर देखने से समझ में आता है कि कुछ खंभे हैं जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से ही, इन्हें हम हाफ पिलर्स कह सकते हैं, शुरू होते हैं।
यह एक समय में बैठने का स्थान रहा होगा और जब यहाँ पर कोई रिलीजियस सेरेमनी हुआ करती होगी या कल्चरल इवेंट्स हुआ करते होंगे तो गांव के लोग यहाँ पर बैठकर उस इवेंट का आनंद लेते होंगे। यह सभा मंडप के खंभों का पास से लिया गया दृश्य है और यहाँ पर हम विष्णु के अवतार नरसिम्हा को देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में बहुत ही महीन अलंकरण बनाया गया है और यहाँ पर अलग अलग पिलर्स में हम रिंग्स देखते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। यह जो पिलर्स हैं हमें गदग जिले में एक मंदिर है, एक मंदिर परिसर है जिसे त्रिकुटेश्वर मंदिर कहते हैं, वहाँ पर एक सरस्वती मंदिर है। यह पिलर्स बिल्कुल देखने में वैसे ही लग रहे हैं। यह एक उसी मंडप के दूसरे पिलर का दृश्य है। यहाँ पर हमें एक विष्णु देव नजर आते हैं और उनके साथ दो नीचे अटेंडेंट्स बने हुए हैं। यह उस स्तंभ का पास से लिया गया दृश्य है जो कि उसकी सुंदरता को हमें दिखाता है। अब हम धीरे धीरे करके विष्णु के अवतार नरसिम्हा के मंदिर में जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा हॉल है। नरसिम्हा अवतार का जो मंदिर है उसका डोर पोर्टल भी बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इसके लिंटल पर भी हमें गजलक्ष्मी जी की मूर्ति मिलती है और नीचे की तरफ दो द्वारपाल मिलते हैं। यहाँ पर जो खिड़की है जालीदार खिड़की बनाई गई है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। जैसा कि हम देखते हैं अंदर काफी अंधेरा है, अंतराल के पीछे। अब यह गर्भगृह में हम आ गए हैं। इस मूर्ति के पेडेस्टल पर नीचे हमें गरुड़ देवता की एक मूर्ति मिलती है और उन्हें मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर नरसिम्हा का अवतार हमें नजर आता है और नीचे दाएं तरफ और बाएं तरफ दो दो अटेंडेंट नजर आते हैं। यह जो मूर्ति है देखने में ऐसा लगता है कि किसी मेटल की बनी होगी और इसकी जो शाइन है अभी भी हजार साल से अधिक हो जाने के बावजूद भी बहुत ही सुंदर लग रही है। यह ऑलमोस्ट 5 से 6 फीट ऊँची मूर्ति है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है और एक ही पत्थर की बनाई गई है। नरसिम्हा जी का मुकुट बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है और यहाँ पर उनके चेहरे को जब हम देखते हैं तो एक विकराल रूप हमें नजर आता है
उनकी आंखें बाहर निकली हुई हैं और उनके मुंह के अंदर उनके जो दांत हैं कैनाइन टीथ्स हैं और इनकी जीभ को भी कलाकार ने बहुत ही सुंदर तरह से बनाया है। यहाँ पर हम उनकी माला को देखते हैं और उनके हाथों में अलग अलग तरह के अस्त्र और शस्त्रों को देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नरसिम्हा ने दैत्य के पेट को फाड़कर उसके अंदर की सारी अंतड़ियाँ यानी इंचेस्टाइंस बाहर निकाल ली हैं और ये इंचेस्टाइंस जो हैं पत्थर की बनी हैं, एक ही पत्थर की बनी हैं। सोचने की बात है कि कलाकार ने, शिल्पकार ने किस तरह से इसे एक ही पत्थर से बनाया होगा, यह एक सोचने की बात है। इतनी डिटेल्ड मूर्ति पूरे भारत में शायद आपको कहीं और नरसिम्हा जी की मूर्ति नहीं मिलेगी। यह इस मंदिर परिसर की सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत मूर्ति है और इसे बहुत ही डिटेल में बनाया गया है। यहाँ पर हम नरसिम्हा की उंगलियाँ, उनके नाखून, हर चीज को देख सकते हैं और काफ़ी डिटेल में हर चीज़ पर बहुत ही ध्यान देकर बनाया गया है। ये इनके अटेंडेंट्स हमें नजर आते हैं। यहाँ पर एक ऋषि मुनि जैसा कोई व्यक्ति नजर आ रहा है। और दाएं तरफ विष्णु जी की तरह की एक छोटी सी मूर्ति है जिनके एक हाथ में शंख दिखाया गया है। बाईं तरफ भी दो अटेंडेंट्स बनाए गए हैं, वे नरसिम्हा जी की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं।
इसी सभा मंडप में एक बहुत ही सुंदर नंदी जी की एक पत्थर की मूर्ति हमें मिली। यह मूर्ति देखने में कंपैरेटिवली छोटी है। हो सकता है इस मूर्ति को बाद में यहाँ पर लगाया गया होगा, क्योंकि यह मूर्ति का जो साइज है और जो सभा मंडप का साइज है, दोनों में कोई भी मेल नजर नहीं आ रहा है। अब हम इस मंदिर परिसर के बाहर आ गए हैं, और जब हम बाहर आते हैं तो हमें बहुत ही सिंपल डॉलमेन टाइप के कंस्ट्रक्शंस नज़र आते हैं। इस तरह के यहाँ पर कुल 8 श्राइन्स हैं, और यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं 4 बड़े बड़े पत्थरों को वर्टिकल खड़ा करके उसके ऊपर कुछ बीम्स डाली गई हैं, और इस तरह के यहाँ पर 8 छोटे छोटे मंदिर हमें मिले। हमारा ऐसा मानना है कि इस मंदिर के मुख्य मंदिर के बनने से पहले इस स्थान में काफ़ी प्राचीन समय से ये डोलमेन टाइप के स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, और उन्हें मंदिर बनाते समय डिस्टर्ब नहीं किया गया है, और यहीं पर एक इस बड़े मंदिर का निर्माण कर दिया। यह जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, और एक समय में यहाँ पर अलग अलग देव देवी देवताओं की मूर्ति हुआ करती होगी। चलिए अब हम इस स्ट्रक्चर के नीचे से चल रहे हैं। दाईं तरफ भी हमें इसी तरह का एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, और सामने भी हमें इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। सामने वाले स्ट्रक्चर में एक कोशिश की गई है डोर जैम बनाने की, और लिंटल के ऊपर हमें पुनः वही गजलक्ष्मी जी की मूर्ति नज़र आती है। नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक टर्माइट हिल यानी दीमकों की एक रहने की एक स्थान बना हुआ है, और यहाँ पर लोग इसी दीमक की पहाड़ी की पूजा करते हैं। इसी के पास में एक और छोटा डॉलमेन टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था, वहाँ पर हमें एक शिवलिंग नज़र आया। देखने में लगता है कि इस शिवलिंग को यहाँ पर बाद में लगाया गया होगा। यहाँ केवल 4 खंभे नज़र आते हैं, और आसपास कोई भी दीवार नहीं बनाई गई है। यह मंदिर का पीछे से लिया गया दृश्य है। यह एक दूसरा स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इस मंदिर के बनने से पहले के शायद बने होंगे, और यह एक छोटा सा हॉल जैसा बनाया गया है जिसके साइड में कोई भी दीवारें नहीं हैं। और सामने एक छोटा गर्भगृह है जिसके अंदर हमें एक शिवलिंग मिलता है। गर्भगृह के अंदर की दीवारों में कोई भी अलंकरण नजर नहीं आया। यहाँ पर हमें एक सुंदर शिवलिंग नजर आता है, और देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूजा इस समय नहीं होती है। अब हम धीरे धीरे करके इस छोटे से श्राइन से बाहर निकल रहे हैं, और सामने हमें मुख्य मंदिर नजर आ रहा है। यह उसी स्थान का दूसरी दिशा से लिया गया दृश्य है जो कि इस कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से हमें दिखाता है।
यह गर्भगृह के बाहर की दीवारें हैं और यहाँ पर हमें एक पानी जलाभिषेक का जो पानी निकलता है उसके लिए एक स्थान बनाया गया है। यहाँ पर हम इस मंदिर के शिखर को देख रहे हैं जो देखने से लगता है कि बाद में बनाया गया है। इसी शिखर के नीचे कुछ कामुक मूर्तियां बनाई गई हैं और मंदिर की दीवारों पर कुछ हमें चित्रण मिला जिसे देखकर लगता है कि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन शायद बीच में किसी कारणों से रोक दिया गया होगा। यहाँ जो चित्रण है बहुत ही सुंदर है, केवल चित्र ही बना है लेकिन उसे मूर्ति में कन्वर्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर हमें कुछ अभिलेख नज़र आते हैं और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दाएं तरफ नीचे की तरफ एक शिवलिंग नज़र आता है और दो बैल भी हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। यहीं पास में एक सूर्य देवता का एक छोटा सा मंदिर था जिसके सामने हमें कुछ दान शासना नजर आए। बाईं तरफ एक काफी बड़ा शिलालेख है और दाईं तरफ एक छोटा शिलालेख है। छोटे शिलालेख के बगल में एक हीरो स्टोन जिसे हम वीरगल्लू भी कह सकते हैं वह मौजूद था। अब हम धीरे धीरे करके सूर्य देवता के छोटे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा अंतराल बना है और गर्भगृह में एक हमें मूर्ति नजर आती है। आज के समय में यह मूर्ति किस भगवान की है हम इसे पता नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखने वालों को इस मूर्ति के विषय में कोई जानकारी है और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। यहाँ पर यह जो शिला शासन है यहाँ पर हम बीच में एक शिवलिंग को पाते हैं जिसकी दाएं और बाएं तरफ दो व्यक्ति खड़े होकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर हमें बाएं तरफ गणेश जी और दाएं तरफ कार्तिकेय नजर आते हैं और यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हैं उनका जो हेड गियर है वह बहुत ही अलग तरह का है, बहुत ही विचित्र है। देखने में ऐसा लगता है कि उन्होंने एक मेटल का हेलमेट पहन रखा है। यह इस तरह का हेडगियर क्यों बनाया गया है अगर हमारे दर्शक इसके विषय में हमें कुछ बताएंगे तो हम उनके आभारी रहेंगे। यहाँ पर हमें कार्तिकेय की एक मूर्ति मिलती है और साथ में दो और व्यक्ति खड़े हुए नजर आते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर लिपि में जो कि शायद प्राचीन कन्नड़ लिपि है जिसे हले कन्नड़ा भी कहते हैं उसमें एक शिलालेख मिलता है। हमने कोशिश करी है कि इस शिलालेख में क्या लिखा है वह आप तक काफ़ी डिटेल में पहुँचाया जाए ताकि जब कभी कोई सज्जन इस शिलालेख को देखें तो इसमें क्या लिखा है उसको ट्रांसलेट करके हिंदी या इंग्लिश में हमें बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारी यह कोशिश रही है कि मंदिरों में जो भी शिलालेख हैं उन्हें आप तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ एक चांद, चंद्रमा और सूरज को देखते हैं और बीच में एक शिवलिंग बना है और एक व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कभी भी दान दिया करते थे मंदिर के लिए
वो सूर्य और चांद को अपना विटनेस माना करते थे और दान शासना में मंदिर के आसपास के गांव का जो टैक्स होता था वह मंदिर के मेंटेनेंस के लिए दान देने की घोषणा करते थे। यहाँ पर हमें एक हीरो स्टोन नजर आता है। हीरो स्टोन को वीरगल्लू भी कहा जाता है और पुराने समय में नॉर्मली गांव के बीच में अपने पशुओं के लिए मवेशियों के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी और इन लड़ाइयों में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस व्यक्ति के ऑनर में यह हीरो स्टोन बनाया जाता था। इसमें प्राय 3 हॉरिजॉन्टल लेयर्स रहती थी। नीचे वाले लेयर में हमेशा उस हीरो को युद्ध की स्थिति में दिखाया जाता था और नेक्स्ट लेवल में बीच वाले लेवल में उसे स्वर्ग में जाते हुए दिखाया जाता है जिसमें कई अप्सराएं उसका इंतज़ार कर रही होती हैं और ऊपर उसी हीरो को भगवान के साथ में दिखाया जाता है। यह भी एक और हीरो स्टोन है लेकिन समय के साथ यह टूट गया है। इसके 3 भाग हो गए हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ गायें भैंसे नजर आती हैं जिनके लिए गांव में लड़ाइयाँ हुआ करती थी और इन्हीं लड़ाई में कोई हीरो अगर मारा जाता था तो उसके लिए इस तरह का हीरो स्टोन लगा दिया जाता था। यह मंदिर के बाहर का दृश्य है। दाईं तरफ हमें सूर्य मंदिर नजर आता है और कुछ दान शासन या शिलालेख और हीरो स्टोन्स नजर आते हैं। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दाईं तरफ हमें एक ऊंचा प्लेटफॉर्म नज़र आता है और बाईं तरफ हमें मुख्य मंदिर का गर्भगृह के बाहर की दीवारें हम देख रहे हैं। थोड़ा और आगे चलेंगे तो बाईं तरफ हमें इनर मंडप के बाहर की दीवारें नजर आ रही हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें यहाँ पर 2 शेर बने हुए हैं और 2 बुल्स भी नजर आते हैं। दाएं तरफ हम एक ऊंचा बांध जैसा कुछ देख रहे हैं। एक समय था जब यह रोड नहीं हुआ करती थी दाएं तरफ वाली और यह मंदिर एक बहुत बड़ी झील के पास हुआ करता था लेकिन समय के साथ इस मंदिर परिसर और बड़े लेक के बीच में एक जमीन को उठाकर एक रोड बना दी गई है जिससे आज के समय में यह मंदिर परिसर और जो तालाब या लेक थी दोनों में एक पार्टीशन हो गया है, एक दूरी हो गई है। सामने हमें एक दीपस्तंभ नजर आता है और यह बहुत ही प्राचीन और सुंदर बनाया गया है। ऊपर का भाग इसका टूट चुका है। यह इसी मंदिर का दूसरी तरफ से लिया गया दृश्य है। यह इनर मंडप के एंट्रेंस का दरवाज़ा है और यहाँ पर हम डोर जैम पर बहुत ही सुंदर अलंकरण देख सकते हैं। ऊपर मिनी डिक्यूल है जिसमें एक समय में एक मूर्ति रहा करती होगी लेकिन इस समय वह खाली है। यहाँ पर लिंटल पर बहुत ही सुंदर अलंकरण हमें नज़र आता है, बहुत ही डिटेल में बनाया गया है।
इस डोर पोर्टल के जो सेकंड मिडिल लेयर है उसमें हमें कुछ कामुक मूर्तियां नजर आती हैं और दूसरी तरफ हमें बहुत सारे नाग देवता नजर आते हैं जिनकी पूंछ एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई गई है। यह मंदिर के गर्भगृह के बाहर का जो दरवाजा है उसके ऊपर जो महीन नक्काशी की गई है उसे हम काफी डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं रोशनी कम है इसलिए वीडियो की क्वालिटी उतनी अधिक अच्छी नहीं है। अब हम डिटेल में इस मंदिर में जो कामुक मूर्तियां बनी हैं उसे आपको पुनः दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर स्त्री पुरुष, पुरुष बंदर पशु हर एक से एक काम वासना में लिप्त स्त्री पुरुष और जानवर भी मिलते हैं। इस तरह का यहाँ पर अलंकरण क्यों बनाया गया है इसका हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। वीडियो काफी बड़ा हो गया है और काफी लंबा हो गया है, बहुत कम लोग इतने लंबे वीडियो को देखेंगे। फिर भी जैसे कि हमारी पुरानी कोशिश रही है, अगर हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जितना भी अलंकरण है, जितनी भी मूर्तियां हैं, एक बार में उन सभी को कैप्चर कर लेते हैं ताकि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से यहाँ पर देखने के लिए नहीं आ सकते तो अपने वो घर में बैठ कर इन मंदिरों को, इन प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बहुत हो गया, इसी के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आपको यह हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन कैसा लगा अगर आप टिप्पणी में बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो आप इसे अपने मित्रों में, सहयोगियों में, दोस्तों में, चाहने वालों में शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।